एक कहानी आपने सुनी होगी। एक समय भगवान बुद्ध को जब ये पता चला कि कहीं पर एक यज्ञ हो रहा है और उस यज्ञ में बहुत सारे जानवरों की बलि दी जाएगी, मतलब उनको जिंदा काटा जाएगा, मारा जाएगा और फिर पकाकर खाया जाएगा। तो वो अपने भिक्खु संघ के साथ वहाँ जाते हैं और वहाँ जो आयोजक होते हैं, जिन्होंने हजारों की संख्या में गाँव के भोले भाले लोगों के जानवर जबरदस्ती पकड़ पकड़ कर काटने के लिए इकट्ठे किए हुए हैं, उनको वहाँ जाके समझाते हैं कि ये यज्ञ इसको नहीं कहते, यज्ञ का मतलब कुछ दूसरा होता है। किसी की हत्या करके कभी भी कोई पुण्य नहीं कमाया जा सकता और वो विपसना के थ्रू उनको उसको दिखाते भी हैं। ये बात आयोजकों की समझ में आ जाते हैं और उस दिन के बाद से भगवान बुद्ध का एक नाम और पड़ता है, उनका नाम पड़ता है गौरक्खा, यानी जो आज की डेट में उनके वंशज हैं जिनको गोरखा बोलते हैं, गोरखा या गौ रखा बोलते हैं, वो जो नेपाल के अंदर हैं और आज भी बड़ी शिद्दत से वो भारत के अंदर बहुत ज़्यादा सुरक्षा देते हैं, रक्षा करते हैं और बड़े ईमानदार और बड़े कर्मठ और बहुत भोले और बहुत अच्छे व्यक्ति होते हैं, क्योंकि वो भगवान बुद्ध के उसी वंशज के लोग हैं जिन्होंने तब गौ रखा की थी। वो आज भी गौ रखा करने के लिए, गौ की सुरक्षा के लिए, पालन करने के लिए आज भी तत्पर रहते हैं। यहाँ आपने देखा होगा कि जानवर वहाँ बहुत सारे बंधे हुए थे मगर उनको गौ रखा बोला गया। कहीं भी बैल रखा या भैंस रखा या बकरी रखा या ऊंट रखा या घोड़ा रखा, ऐसा नहीं बोला गया, यानी कि उनको गौ रखा बोला गया। तो पाली साहित्य के अंदर गौ का मतलब जो होता है वो जितने भी कैटल और जितने भी जानवर हैं उन सबको गौ बोलते हैं। उसमें किसी का कोई लिंग भेद नहीं होता, चाहे वो पुल्लिंग हो, चाहे वो स्त्रीलिंग हो, चाहे कोई भी तरह का जानवर हो जो चौपाया है और जो मनुष्य के साथ में रहता है, उसको सबको कैटल बोलते हैं और कैटल को पाली के अंदर गौ बोलते हैं। जैसे जितनी भी नदियां हैं पाली में उन सबको गंगा बोलते हैं। गंगा जो नाम है नदी है, यानी रिवर को ही गंगा कहते हैं। रिवर गंगा है, गंगा रिवर है, यानी नदी और रिवर और गंगा तीनों सेम एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। ऐसे ही जो गौ है वो सारे कैटल के लिए आता है, यानी कैटल है अगर जानवर है तो वो गौ है। ये बिल्कुल स्पष्ट और बिल्कुल क्लियर बात है, इसलिए आपने कहीं भी भैंस रखा नहीं देखा होगा या भैंसा रखा नहीं सुना होगा, आपने हमेशा गौ रखा ही सुना होगा या गोरखा ही सुना होगा। ये शब्द बिल्कुल साफ साफ है, क्योंकि गौ के यहाँ पर एक मतलब और भी है। पाली के अंदर जो गौ है उसका एक बहुत सा सिंपल सा एक मतलब यहाँ और भी निकल के आता है। वो आता है कि जब भिक्खु, जब गौतम बुद्ध, जब गौतम यानी गौ का आप नाम देखिए कि गौतम से गौतम बना हुआ है और गौ से जानवर बने हुए हैं, दोनों सेम हैं। गौ से हम सारे एनिमल को बोल रहे हैं पाली के अंदर, गौतम जो बना हुआ है उसके पहले दो अक्षर गौ हैं, तो गौ और गौ दोनों सेम हैं। तो यहाँ अगर गौचर गाम है, यानी कि पाली के अंदर अगर गौचर गाम है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जहाँ गाय भैंस या बकरियाँ चरती हैं वो गाँव हैं। गौचर का मतलब है जहाँ भिक्खु या बुद्ध चारिका करते हैं, गांव में भिक्खाटन के लिए जाते हैं, उसको गौचर गांव बोलते हैं। तो गौचर का मतलब होता है भिक्खाटन और यहाँ गौ का मतलब होता है भिक्खु। और अगर यहाँ कहेंगे कि गौ वाला यानी ग्वाला या गाय वाला, तो इसका मतलब होता है कि जो गाय चराने जाता है उसको गौ वाला बोलते हैं। और गौ कुल यहाँ दोनों के लिए आता है, यानी कि भिक्खुओं का भी कुल है, गौतम का भी कुल है, और जो गाय चराने वाले लोग हैं, कैटल चराने वाले लोग हैं, भैंस चराने वाले लोग हैं, घोड़े चराने वाले लोग हैं, हाथी चराने वाले लोग हैं, जितने भी कैटल चलाने वाले लोग हैं उनको भी गौकुल बोला जाता है, उनके कुल को भी। तो ये बिल्कुल स्पष्ट और ये क्लियर है, इसलिए कन्फ्यूजन आज की डेट में इसलिए होता है क्योंकि भिक्खु लगभग जा चुके हैं और भिक्खुओं के कुल भी लगभग ख़त्म हो चुके हैं और जो गोरखा है वो गोरखा से गोरखा बन चुके हैं। तो जितने भी कन्फ्यूजन थे, और क्योंकि साहित्य में जो नाम है वो गौ का जाता है, गौ जो होता है वो सभी के लिए बोला जाता है। बेसिकली अगर आप काऊ के लिए बोलेंगे तो गाय बोलेंगे या धेनु बोलेंगे। गौ बछड़े के लिए भी आता है, गौ भैंसे के लिए भी आता है, गौ भैंसिया के लिए भी आता है, गौ बछड़े के लिए भी आता है। और पाली के अंदर एक शब्द और है जिसको महीस बोलते हैं। महीस पुल्लिंग शब्द है, महीस का मतलब भी कैटल ही होता है, ये दूसरा इसका शब्द है, मगर ये साउथ में ज़्यादा चलता है। आपने अगर कटप्पा की पिक्चर देखी होगी, आपने देखा होगा कटप्पा को किसने मारा, जो बाहुबली पिक्चर थी, उसमें महीस मीति करके एक शब्द बार बार आता है, महीस मीति। आपने महिषासुर सुना होगा, तो महीस मीति और महिषासुर और महीस, ये जो महीस है ये उधर के जो ब्लैक लोग हैं, क्योंकि काऊ का और भैंस का या गाय का जो रंग है या घोड़े का रंग है या जानवरों का रंग है या मनुष्य का रंग है
ये रंग पर्वत पर ठंड में सफेद होते हैं और जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाती है वैसे वैसे सभी जानवरों के, मनुष्य से लेकर सभी जानवरों के रंग डार्क होते चले जाते हैं। इनमें कोई गौ या गाय या भैंस भी अपवाद नहीं है। जो नीचे आ गए वो काले हो गए, जो ऊपर रहे वो सफ़ेद हो गए। बाकी जाति और प्रजाति लगभग उनकी सेम है पूरी दुनिया के अंदर, उसमें कोई अंतर नहीं है। जैसे मनुष्य की सारी जातियाँ लगभग सेम होती हैं, जैसे उनको होमो स्पीशीज बोलते हैं वैसे ही ये सब के सब बोले जाते हैं। तो यहाँ जो कन्फ्यूज़न है वो इस बात का है क्योंकि बहुत ज़्यादा जो प्रचार किया गया वो गौ को गाय से कह के दिया गया, जैसे गौदान। गौदान का मतलब है भिक्कू के लिए दान देना, मगर गाय ही दान में चली गई पूरी पूरी, क्योंकि गौदान का मतलब गाय दान नहीं है। गौदान का मतलब है कि कोई भी कैटल अगर आप दान में देते हैं अब के समय में, और उस समय में था कि जब भिक्कू को दान देते हैं उसको गौदान भी बोलते हैं, यानी कि जो भिक्कू आया है उसको अगर कुछ दिया तो वो भी गौदान के रूप में आता है। और गौ भूमि वो होती है जहाँ बहुत सारे भिक्कू रहते हैं, यानी बहुत सारे भिक्कू रहते हैं उसको गौ भूमि बोलते हैं, बिहार भी बोलते हैं, और बहुत सारे गौ यानी कैटल रहते हैं उसको भी गौ भूमि बोलते हैं। गौधूली क्या होती है? गौधूली वो होती है जब भिक्कू संघ बहुत चलता था तो भिक्कू संघ के पैरों से चलने से जो धूल उठती थी उसको गौधूली बोलते हैं, और जो कैटल चलते हैं उनके पैरों से धूल उठती है उसको भी गौधूली बोलते हैं। तो दोनों ही गौधूली हैं, दोनों ही के मतलब में सेम आता है, मगर चूंकि भिक्कू बहुत आराम से चलते हैं उसलिए उनकी धूली बड़ी ना के बराबर होती है, और गाय बहुत ज़्यादा, इसलिए गाय और भैंस या बकरी या ऊँट या घोड़े इनकी गौधूली बहुत ऊपर तक जाती है, तो गौड़ वो इम्पोर्टेंट होगी, बाकी गौड़ होती चली गई। आपने देखा होगा एक गोठवाल होते हैं, गोठवाल आज की डेट में राजस्थान में लोग होते हैं। गोठवाल को ऐसा कह सकते हैं कि जैसे दिखाई देता है जैसे गाय यानी गौ को या जानवरों को पालने वाले हैं। गौ अठवाल है बेसिकली शब्द, अठ का मतलब है जो आठांगिक मार्ग पे, आठ अंगों वाले मार्ग पे, अष्टांगिक मार्ग पे चलने वाले लोग हैं, जो भिक्कुओं के वंशजों के परिवार से आए हुए लोग हैं। जैसे एक परिवार में अगर मेरे परिवार में कोई चला गया भिक्कू बन गया और वो अष्टांगिक मार्ग पे चल रहा है तो मैं उसके परिवार का एक मेंबर हो गया, तो ये फ्री में मुझे एक गोत्र मिल गया कि मैं आठांगिक मार्ग वाला, तो गोठवाल हो गया। यानी कि मैं आठांगिक मार्ग में चला भी नहीं मगर मैं मेरे परिवार से जो भिक्कू गया उस भिक्कू की प्रशंसा में मुझे भी लोग गोठवाल कहने लगे, यानी अठवाल कहने लगे। एक शब्द है गोबर गणेश। गोबर गणेश बड़े कमाल का शब्द है। गोबर गणेश से अगर आप जाएंगे तो ऐसा लगेगा जैसे किस गाय ने गोबर कर दिया और हम किसी आदमी को कहते हैं कि ये गोबर गणेश है, उस टट्टी की तरह है, इसमें कुछ नहीं पता है। पहले गोबर गणेश को देखते हैं क्या है। गोवर गणेश, ये बर नहीं है, क्योंकि अगर गोबर से टट्टी होती और गाय की टट्टी होती तो भैंस की टट्टी को क्या बोलते हैं? भैंस बर गणेश ऐसा नाम आता है, या भैंस बर। ऊँट को क्या बोलते हैं? ऊँट बर। या बकरी को क्या बोलते हैं? बकरी बर। हाथी को क्या बोलते हैं? हाथी बर। मगर यहाँ सबकी लीद को, सबके ही टट्टी को, सबके गोबर बोला जाता है। इसका मतलब है कि गोबर कैटल को ही बोला जाता है, जानवर को ही बोला जाता है। गोबर यानी किसने मल किया है, मगर यहाँ गोबर का मतलब मल से नहीं है, यहाँ गोबर का मतलब है गोवर, यानी कि जो भिक्कू, गो माने भिक्कू और वर माने श्रेष्ठ, जो सबसे श्रेष्ठ है, यानी भिक्कुओं में जो सबसे श्रेष्ठ है। और सबसे श्रेष्ठ कौन है? भगवान बुद्ध सबसे श्रेष्ठ हैं। और गण एस का मतलब होता है, गण माने होता है व्यक्तियों या व्यक्तियों का समूह, जो हम लोग होते हैं उनको गण बोलते हैं। जैसे गणतंत्र है, भारत क्या है? गणतंत्र, यानी कि जितने भी लोग हैं उनके समूह का तंत्र है। तो गण ईस यानी कि जो समूह है, गण जो लोगों का समूह है उसका ईस, इसी का मतलब है ऋषि हो गया। ऋषि का मतलब है इसी, इसी पाली में बोलते हैं, इसी का मतलब जो जानकार है, जो उनका हेड है, तो गणेश बोलते हैं इसको। तो गोबर गणेश एक गाली नहीं है, गोबर गणेश एक बहुत उच्च वर्ड है जो भगवान बुद्ध के लिए बोला जाता है, बाद में इसको गाली बना दिया गया। एक शब्द और आएगा जो आएगा गोवर्धन पर्वत। गोवर्धन पर्वत जो शब्द है आज की डेट में जो मान्यता है वो ये है कि मथुरा के पास में एक 8 किलोमीटर लंबा और 100 मीटर ऊंचा एक नेचुरल पहाड़ है। ये पहाड़ अरावली पर्वत श्रृंखला का लास्ट पहाड़ है जो इधर आया हुआ है। जो पहाड़ धीरे धीरे खत्म होते जाते हैं वहाँ ये लास्ट पहाड़ मिलता है। राजस्थान में तो बहुत है मगर इसलिए ये लोगों के अट्रैक्शन का कारण और ट्रैवल का कारण है। गोवर्धन पर्वत इसको बोला जाता है, ऐसा लगता है जैसे वहाँ पे गोबर है और उसका धन है, क्योंकि तो कुछ लोग गोबर का धन भी बनाते हैं, गोबर की एक आकृति बनाते हैं। मगर कुछ लोग कहते हैं कि इसका मतलब है गोवर्धन,
यानी गाय का वर्धन, यानी गाय को बढ़ाने वाला, गाय को पालने वाला। तो गोवर्धन जो गाय को पालने वाला है, ये शब्द सार्थक नहीं है, क्योंकि 100 मीटर ऊंचाई पे जहाँ पानी नहीं है, जहाँ घास नहीं है, जहाँ आप कोई सड़क नहीं है, जहाँ आप खाना लेके जा नहीं सकते, भूसा चारा लेके जा नहीं सकते, वहाँ इतनी गर्मी में ऊपर गाय का संवर्धन या गाय का बढ़ाना कैसे हो सकता है। गाय को बढ़ाने के लिए या गाय का वर्धन करने के लिए एक जंगल होना चाहिए जहाँ बहुत सारा चारा हो और पानी हो और गाय को ज़्यादा परेशानी ना हो। तो ये पर्वत इस शब्द को सार्थक नहीं करता। इसका मतलब ये गोवर्धन का मतलब गाय को बढ़ाने वाला, गाय का वर्धन करने वाला पर्वत नहीं है। मगर दूसरे शब्द में अगर हम देखें इसे, तो गौ का मतलब है भिक्कु, यानी भिक्कुओं का वर्धन करने वाला पर्वत। ये शब्द बिल्कुल ठीक है, क्योंकि भिक्कु जो हैं वहाँ बैठ के तपस्या करते हैं, ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, विपस्सना करते हैं। तो ये जो गोवर्धन, यानी कि गोवर्धन का अगर हम पूरा थोड़ा सा सब क्षेत्र में और क्लियर करें, तो ये है गोवर्धम पर्वत। यानी गौ माने भिक्कु हो गया, वर माने श्रेष्ठ और सबसे अच्छा हो गया, एक्सलेंट हो गया, धम माने प्राकृतिक नियम हो गए, या वर्धन भी बोल सकते हैं इसको, यानी बढ़ाने वाला हो गया, और पर्वत माने पर्वत हो गया, इसको गिरी भी बोलते हैं। ये शब्द बिल्कुल सार्थक है, क्योंकि भारत के अंदर भिक्कुओं की परंपरा में जो समन परंपरा है, जितने भी भिक्कू हैं, क्योंकि वहाँ तो वैसे भी मौर्यों का शासन रहा है गोवर्धन पर्वत के आसपास, तो वो पूरी राजधानी वहाँ रही है और वहाँ बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी पूरी पूरी रही है जो मथुरा के नाम से जानी जाती है। तो गोवर्धन जो शब्द है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पूरे भारत में भिक्कू एक एकांत स्थान चुनते हैं जो ऊंचा हो। जितने भी भारत में पर्वत हैं जहाँ रहने लायक पर्वत हैं, उन सब पे भिक्कुओं ने स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटियाँ बनाए हैं, और वहाँ पे जाके उन्होंने संवर्धन किया है, धम्म का संवर्धन, यानी कि उनको बढ़ाया है, वर्धन किया है, वर्धन किया है, उसको बढ़ाया है। ये शब्द बिल्कुल क्लियर और बिल्कुल स्पष्ट है। इसलिए जो गौ शब्द है, गौ शब्द में कहीं भी कन्फ्यूज ना हो। गौ के दो मीनिंग हैं, एक है कैटल, यानी सब तरह के चार, बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर है। गौ माने भिक्कु भी होता है, यानी कि जो जानकार होता है, और गौ माने कैटल भी होता है, जिसमें गाय भैंस भी आती हैं। और भैंस शब्द पाली का नहीं है, क्योंकि भैंस और भैंसा जो शब्द है वो बहुत बाद में आए हैं। भैंस में दो मात्राएं होती हैं, इसलिए भैंस पाली का नहीं है। मगर भैंस यहाँ जो नीचे का जानवर है वो बड़ा फेमस है। वो इसलिए फेमस है क्योंकि उसके बहुत सारे मुहावरे आपने देखे होंगे, जैसे गई भैंस पानी में, या कहते हैं कि भैंस के आगे बीन बजाना, या जिसकी लाठी उसकी भैंस, और जैसे कहते हैं कि भैंस पूंछ उठाएगी तो गोबर ही करेगी, यानी कि गाना नहीं गाएगी। अब आप ये देखिए कि भैंस पूंछ उठाएगी तो गोबर ही करेगी, जबकि गौ यहाँ जो बोल जो लोगों की जानकारी में है वो गाय है। तो गाय गोबर करेगी तो भैंस क्या करेगी, भैंस बर करेगी, मगर भैंस बर नहीं करती है वो भी गोबर करती है। इसका मतलब गौ जो शब्द है वो सभी कैटल, सभी जानवर के लिए आता है, इसलिए कन्फ्यूज ना हो। और भगवान बुद्ध और उनके अनुयायी दुनिया के सबसे बड़े गौ रक्षक और गौ रक्षक रहे हैं, वो आज भी हैं, पहले भी थे, और उन्हीं से गाय बची हैं, उन्हीं से कैटल बची हैं, उन्हीं के नाम ये तगमा है, और इसीलिए उनके बहुत सारे लोगों को गोरखा या गौरखा बोला जाता है। धन्यवाद।